वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक और ड्रैग रेस लाने वाले हैं अपनी वेंटो TSI की, और इस बार हम करने वाले हैं हुंडई i20 से। तो इससे पहले कि लोग बोले कि ये फेयर कंपैरिजन नहीं है कि आप इसके इससे क्यों कंपैरिजन कर रहे हो, तो मैं बताना चाहूंगा कि i20 डीजल है। और जब मैंने पोलो की कुछ ड्रैग रेसेस डाली तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि इसकी i20 डीजल से रेस करो, बिकॉज i20 डीजल बहुत भागती है और स्पेशली ये जनरेशन वाली। तो अभी पोलो अवेलेबल नहीं थी तो हम वेंटो से ही कर रहे हैं, बिकॉज वेंटो में भी सेम इंजन ही आता है जो पोलो में है। तो अब पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आता है अपना 1 लीटर TSI, 110 हॉर्स पावर, 175 Nm का टॉर्क। वेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 1200 किलो की हो जाती है, 1175 किलो की है, तो ऑलमोस्ट 1200। इसकी बात करें तो ये 1000 किलो से ऊपर का है इसका वेट है। और पावर की बात करें तो इसमें 100 BHP लेकिन 241 Nm का टॉर्क आता है, मतलब इससे टॉर्क काफ़ी ज़्यादा और इसका वेट कम है। तो इसका टॉर्क टू वेट रेशो और पावर टू वेट रेशो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू वेंटो। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा चल भी चुकी है, 140,000 चल चुकी है, तो वो भी थोड़ा सा कंडीशन है एक चीज़। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये वन साइडेड मैच बिल्कुल नहीं होने वाला, ये टक्कर देगी, बिकॉज काफ़ी मैंने सुना हुआ है कि i20 डीजल भागती बहुत बढ़िया है बिकॉज ऑफ पावर टू वेट रेशो। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसा रहता है रिजल्ट, और कि टक्कर देती है या नहीं। अगर टक्कर नहीं देगी तो फिर हम कोई एडवांटेज देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये टक्कर देगी और बढ़िया रहने वाली है रेस। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट रेस ऑफ रखेंगे, हमने 3 बंदे बिठा रखे हैं और उसमें 2 बंदे हैं क्योंकि हम पहले से उसको थोड़ा सा एडवांटेज दे रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है फर्स्ट राउंड में। AC सब ऑफ रहेगा, उसका भी AC ऑफ है, ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों में ही नहीं आता। तो देखते हैं, शुरू है फर्स्ट राउंड। 2, 3 ये शुरू भाई, और ये तो इनिशियल में आगे निकल गई भाई। अरे अरे अरे, मुझे लगा था टक्कर देगी। आई थिंक उनका ना थोड़ा सा पिकअप गड़बड़ हो गया, हुआ तो कुछ तो हो सकता है, बट अभी पीछे जा रही है। फर्स्ट राउंड जीती है वेंटो। हां गाइस, फर्स्ट राउंड तो जीती, बट पता क्या है, इसने उतना इसका डिस्टेंस ना उससे कम है जो हमने वेंटो TDI से करी थी, उसका ज्यादा डिस्टेंस बन गया था। इसने फिर भी थोड़ा कम डिस्टेंस रखा है, ये ठीक ठाक भागी है देखा जाए तो। सर थोड़ी और आगे ले लो, और AC अभी भी ऑफ है, तो देखते हैं। शुरू भाई, ये शुरू किया और भाई ये निकल गई और वेंटो आगे निकल गई। मेरे हिसाब से वही है, वो प्रॉपर पिकअप नहीं ले पा रहे हैं, वो रेस दे के नहीं उठा रहे हैं ना। हाँ, उसको तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ उस गाड़ी में। थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस कम है i20 वाले भाई को, क्लच पे उठा नहीं रहे, मतलब डंप करके नहीं उठा रहे क्लच। तो एक बार वो लॉन्च करेंगे उसको प्रॉपर, फिर देखते हैं कुछ ज्यादा टक्कर देती है। ऑफ ही रहेगा क्योंकि अब हम एक बार और एक बार ट्राई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आशीष कुछ डिफरेंस कर पाते हैं या नहीं, उसके बाद देखते क्या होगा। शुरू कर रहे हैं फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड, तो 3 हॉर्न पे जाएंगे। कौन दे रहा है ये? शुरू भाई, और भाई इस बार देखो बढ़िया और लॉन्च हुई है, और बेटर लॉन्च हुई है थोड़ी, लेकिन पीछे रह गई। अब देखते हैं कितना पीछे रहती है भाई। टक्कर तो ठीक ठाक दे रही है, अब ब्रेक ले ली उन्होंने, ब्रेक ले ली, ब्रेक ले लो। हाँ शायद उसका ना थोड़ा सा टायर मुड़ा रह गया, तो थोड़ी सी वो गड़बड़ हो गई। कोई नहीं, एक बार और ले लेंगे ना। फोर्थ राउंड शुरू, और AC हमारा बंद रहेगा। शुरू, अरे लॉन्च में दिक्कत होगी हमारे, थोड़ा लॉन्च में दिक्कत होगी, लेकिन पकड़ लेगी अभी भी। ये लो गाइस, पकड़ लिया। ये पीछे हो गया, बट भाई ठीक ठाक टक्कर दे रही है भाई, काफी टक्कर दे रही है, एक गाड़ी से ज्यादा गैप बन रहा है, गैप अब बन गया गैप, लेकिन फिर भी ठीक गाड़ी ने टक्कर दी है, बढ़िया भागती है गाइस i20 डीजल। काफ़ी लोगों ने बोला था कि i20 डीजल से एक बार ट्राई करो पुरानी वाली, क्योंकि वो बहुत अच्छा भागती है, तो कर लिया गाइस। और हाँ, काफ़ी अच्छा भागती है, मतलब एक दो गाड़ी का ही गैप बनता है इनिशियल में, बड़ा अच्छा। लॉन्च में दिक्कत हुई थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बहाने मार रहे थे, हम एक बार फिर से राउंड करेंगे, और इस बार 3-2-1 करूंगा मैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो 3-2-1 भाई शुरू, और ये थोड़ा सा हमारी गाड़ी ने लैग किया, पता नहीं क्यों करती है, कभी कभार लैग कर देती है, बट देखो अभी साथ में भाई बिल्कुल टक्कर दे रही है यार टक्कर दे रही है, लेकिन ये ना मेरे को लगता है जैसे उसका सेकंड लगता है या फिर थर्ड लगता है ना, फिर रह जाती है वो। ये देखो, बट यार ठीक भाग रही है, बढ़िया भाग रही है, अब तो ये गैप बना के चली जाएगी। ये देखो, अब तो जितना लंबा ट्रैक होगा ये बना के चली जाएगी, बट अब हम धीरे कर लेते हैं। हमारी गाड़ी 140 पहुंचने वाली थी, तो ये मतलब काफी ठीक परफॉर्म कर रही है वो भी गाड़ी, और ये लेकिन ये जीत जाएगी लॉन्ग में, और लंबा जीतेगी। इनिशियल में वो टक्कर साथ रहती है, 40-50 तक साथ रहती है, उसके बाद ही उसको पीछे करती है, क्योंकि उसका सेकंड गियर में वो सेकंड गियर में दबती है, फर्स्ट गियर उसका बढ़िया है।
तो अपनी फोर्थ राउंड की विनर भी वेंटो ही रहती है, फिफ्थ राउंड की विनर भी वेंटो ही क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांटेज देंगे 820 को, चार बंदे बिठा देंगे इसमें और उसमें एक बंदा बैठेगा क्योंकि वेंटो पहले से ही 200 किलो भारी है, फिर हमने इसमें चार बंदे और बिठाए और उसमें एक बंदा बिठाया, तो देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। 820 अब और ज्यादा टक्कर देती है, लंबे टाइम तक कीप अप करती है या नहीं, तो ट्राई करके देखते हैं ये चीज। एसी तो हम अभी भी ऑफ ही रखेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। 2-3 चलो, लैग मार दिया देखो हमारी गाड़ी ने, लेकिन अभी पकड़ लेगी, चार बंदे हैं ना, लेकिन देखो पकड़ लिया, ये पकड़ा, वो सेकंड गियर में दब जाती है, भाग रही है यार, लेकिन बढ़िया भाग रही है, बराबर भाग रही है भाई, वही अब पीछे हो जाती है, जैसे इसका थर्ड लगता है ना तो पीछे हो जाती है, लेकिन फिर भी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और लेकिन एडवांटेज के बाद भी ये जीत गई, बट फिर भी ठीक है, काफी अच्छा परफॉर्म किया इसने 820 डीजल ने। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि ये क्या कंपैरिजन कर रहे हो। लास्ट राउंड एक ले रहे हैं रोल रेस का, फर्स्ट गियर में 20 पे रहेगी गाड़ी, वो हॉर्न देंगे एक और हम ट्राई करेंगे, एडवांटेज वही दे रखा है अभी जो हमें चार बंदी है, और एसी हमने ऑन कर लिया अब अपनी गाड़ी का, तो देखते हैं उससे कुछ फर्क आता है नहीं, मतलब हमने सारा एडवांटेज दे दिया अब, तो देखते हैं क्या रहता है सीन। हाँ तो शुरू करते हैं, तो शुरू करते हैं भाई, 20 पे उठाएंगे गाड़ी और वो 20 पे ऑन देंगे, ऑन दे दिया, ऑन दे दिया पापा, ऑन दे दिया, हाँ ऑन दे दिया था, आवाज नहीं आई ऑन की ना, यही दिक्कत है भाई, वो बढ़िया भाग रही है यार ये तो। एडवांटेज है उनके पास, वहाँ वो है एडवांटेज है थोड़ा, वही भाई भाग रही है यार, बढ़िया भाग रही है, बिल्कुल साथ साथ ही भाग रही है ऑलमोस्ट, मतलब इस मतलब आज ये पहल, मतलब बहुत दिनों बाद हुआ है कि इतना कम गैप बना है, बिकॉज हर गाड़ी से जब भी इसकी रेस हो रही होती है एक्सयूवी के अलावा ये बहुत गैप बना रही होती है हर गाड़ी के साथ, लेकिन ये गाड़ी बहुत टक्कर दे रही है यार, ये काफी अच्छे अच्छे को हरा देगी, और अभी तो 140,000 चली हुई है, अगर ये थोड़ी नई और होती तो और बढ़िया। बताया था कि i20 भागती है और वही हुआ, काफी टक्कर दी है इसने, मतलब मैक्सिमम वेंटो जब हमने, जब इसमें तीन बंदे थे और इसमें दो बंदे थे और इसका एसी ऑफ था, तब मैक्सिमम वेंटो चार या पांच गाड़ी का गैप बना पाई, लेकिन वैसे ये काफी अच्छा इसने टक्कर दिया, बिकॉज वेंटो क्या है ऑलमोस्ट हर गाड़ी को 5-6 गाड़ी पीछे छोड़ देती है, लेकिन इस बार इसने काफी बढ़िया टक्कर दिया i20 ने, तो मतलब ये अच्छी अच्छी गाड़ियों को हरा सकती है भाई अगर इसकी रेस करें ना, और अभी इसकी थोड़ी चल ज्यादा चुकी है, अगर ये थोड़ी और नहीं होती तो और बढ़िया भागती, लेकिन हाँ अगर हम वैसे रेस करें दोनों अगर नहीं भी होती तो भी वेंटो ही, मतलब पोलो जीतेगी, अगर आप पोलो को ले लो या फिर वेंटो जीतेगी, तो ये चीज तो है कि i20 डीजल बढ़िया भागती है लेकिन इसको हरा नहीं पाएगी, लेकिन ये काफी इंप्रेस्ड हो गया मैं इसकी पावर से, बिकॉज हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन पावर टू वेट रेशियो जो है ना वो बहुत बढ़िया है, उस रीजन से भी इसने इतनी टक्कर दी है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ऐसी बढ़िया सी वीडियो के लिए अभी के लिए बाय।